ओके, तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको डॉम समझाया था एंड मैनिपुलेशन कैसे होता है डॉम का, वो दिखाया था आईडी के बिहाफ पे, क्लास के बिहाफ पे। अगर क्लासेस में आपको मल्टीपल एलिमेंट्स में कोई भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो वो भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। वहां तक क्लियर है सभी को? यस यस सर, yes, यस सर। सर, यस सर। ओके, ठीक है। सो अब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। डोम हमारा हो गया, ठीक है। तो इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको, पर्टिकुलर लिखना है डोम क्या करता है एंड जो हम एलिमेंट्स फेच करते हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कल आपको टास्क दिया था कि आपको सारी चीजें करके देखनी है लूप से, तो आपने किया है वो? यस यस सर। सर क्लासेस के हाफ पर इमेज कैसे लगाएंगे? क्लासेस के बिहाफ पे इमेज। इमेज ओके, ठीक है। तो ये भी देखेंगे हम कैसे हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं एंड कैसे एक एलिमेंट किसी भी डिव के अंदर अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे, बट हम एक फ्लो में चलेंगे लीव में, जिसके बाद हम ये सारे टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यू गाइस नॉट putting your status on the group? ग्रुप पे कोई भी टास्क क्यों नहीं डाल रहे आपने? 4 to 5 सेशन हो चुके हैं हमारी क्लास के, बट किसी ने भी अभी तक पोस्ट नहीं किया अपना स्टेटस एंड ऑफ द डे तक। कोई रीजन? नो सर, हम लोग कर लेते थे लेकिन मतलब अपडेट नहीं किया, मतलब कोई बोला था। ठीक है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ पे हैं ना, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? सर जैसे हम लोग मतलब जो भी टास्क वगैरह कर रहे हैं कोड जिस मतलब जो जो भी प्रैक्टिस आप हुई है टास्क तो करते फिर हो, उसको शेयर कर या तो आप सकते उसका स्क्रीन फ्लो बना के ग्रुप में पोस्ट करो, हैं। ठीक है। जो भी आप टास्क कर रहे हो, या तो आप अपना उसका स्क्रीन फ्लो बनाओ, एक ब्राउजर के ऊपर ही मल्टीपल एक्सटेंशन अवेलेबल है, ठीक है। एक्सटेंशन डाउनलोड करो, स्क्रीन फ्लो बनाओ, वो शेयर करो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट शेयर करो, अगर ये भी नहीं है तो फिर कोड शेयर करो, ठीक है। एंड जो भी डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग आप ग्रुप पे पोस्ट करो। ओके ओके, ठीक सर, है, तो आज से फॉलो करो। ओके भाई, तो प्रीवियस सेशन में पूनम का क्या क्वेश्चन था? पूनम का क्वेश्चन था कि कैसे लैंग्वेज वर्क करती है, कंपाइलर क्या होता है। तो पूनम रीड करके आए हो क्या होता है कंपाइलर? यस सर, कोई डाउट है अभी उसमें? यस तो ये पूनम के डाउट सॉल्व हो गए। तो कल आपका टास्क क्या था कि आपको पता करना है जावास्क्रिप्ट कैसे रन होती है ब्राउजर के ऊपर। तो एनीवन, किसी ने सर्च किया है गूगल पे ये जाके? अच्छा, सर, यस सर, यस सर। आई रीड अबाउट हाउ इट वर्क्स, आई मीन जावा गुड। स्क्रिप्ट। तो यार समझाओ पूरी क्लास को कैसे होती है। ओके सर, सर जब मैं अदर लैंग्वेज की बात करूं जैसे सी, सी प्लस प्लस और जावा, तो ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज हैं। और जैसे हम कोड लिखते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम लिखे VS कोड पे या फिर अदर एडिटर में, तो ये वन बाय वन, पहले कंपाइलर जो होता है वन बाय वन हमारे कोड को चेक करता है कि कहीं इसमें एरर वगैरह तो नहीं है, कहीं इसमें बग्स वगैरह तो नहीं है। फिर ये लास्ट में यदि हमारे प्रोग्राम में एरर वगैरह नहीं रहती है,
तो हमको ये उस बिहाफ पे आउटपुट देता है। लेकिन इंटरप्रेटेड जावा स्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सो ये काम वैसे ही करता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे लाइन बाय लाइन ये चेक करता है, और जैसे एक लाइन हम लोगों की सही है कोड की, तो वो रन कर देता है उसको। लेकिन कंपाइलर जो होता है वो रन नहीं करता, कंपाइलर पूरा चेक करता है फिर उस चीज को रन करता है। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में ये है कि वन बाय वन ये चेक करता है कि कहीं एरर वगैरह तो नहीं है। फिर जैसे वन लाइन हमारी सही हुई तो उसको रन कर देता है, फिर देन दूसरी लाइन चेक करता है, और अगर वो सही है तो फिर उसको रन कर देता है। और ये क्या है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, और इसका एक इंजन होता है, मतलब ब्राउजर जो होता है उसका एक इंजन होता है। तो उस बिहाफ पे ये वर्क करती है जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। एंड जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं, तो जैसे वो जब ब्राउजर पे रन होती है तो ये एक इंजन होता है इसका, एक एक उसमें पार्सर होता है। पार्सर मीन्स कोड को ये ट्रांसलेट करता है पार्सर, और फिर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर एट द एंड ऑफ कोड हमको वो चीज मिल जाती है आउटपुट में। और अलग अलग जैसे मोजिला का अलग इंजन होता है, और ब्राउजर का अलग इंजन होता है, और पार्सर ये जो हमारे कोड को वो बाइनरी कोड में वो ट्रांसलेट करता है, जो भी मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। यस सर, दैट्स इट। ओके, ग्रेट सूर्यांशु, अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो बेसिकली सूर्यांशु ने एक वर्ड यूज किया है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज। तो एनीवन किसी को पता है क्या होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज और क्या होता है क्लाइंट? ओके फाइन, सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज क्लाइंट। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइंट हमारा होता है कोई भी ब्राउजर, ठीक है, जहाँ पे हम हमारे कोड को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो सिनेरियो आते हैं, क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, तो क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट हमारा ब्राउजर होता है। एंड सर्वर क्या होता है? सर्वर हमारा बैकएंड होता है, जहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है, या फिर जहाँ पे हम लॉजिक्स लिखते हैं हमारे पर्टिकुलर डेटा के बिहाफ पे। ठीक है, तो क्लाइंट क्या होता है? हमारा ब्राउजर। तो सूर्यांशी ने इसे बताया है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो ब्राउजर साइड लैंग्वेज है। ओके, तो क्लियर है क्लाइंट और सर्वर क्या होता है? ओके यस सर। फाइन, तो थोड़ा डीप में समझाता हूँ मैं बेसिकली क्या होता है, कैसे चीजें वर्क करती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ओके फाइन, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके यस सर, फाइन, स्क्रीन इज विजिबल। सुयांशु ने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपना कोड लिखोगे एंड उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो वो कोड कैसे रन होगा? लीनियर वे में रन होगा, लाइन बाय लाइन रन होगा। ठीक है, तो सपोज अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे एरर आती है, तो आगे का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं पे आपका कोड एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स भी है, ठीक है, एंड इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, सपोज अगर आपने कोई फंक्शन सबसे लास्ट में लिखा है एंड उसको कॉल आपने पहले कर दिया, तो फंक्शन आपका कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एंड जावास्क्रिप्ट कैसे रन होती है? तो वो होती है इंजन के बिहाफ पे। ठीक है, इमेज शो हो रही है आपको? ठीक है, तो अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग इंजन होते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम क्रोम यूज करते हैं, तो क्रोम यूज करता है V8 इंजन,
वेट इंजन वही होता है जो हमारा नोड यूज करता है, ठीक है। जब हम अभी हम क्लास में सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट की फाइल के ऊपर टास्क करेंगे, तब आपको नोड के बारे में बताऊंगा, नोड क्या होता है, नोड के हिसाब से आप कैसे रन कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो इंजन होता है वेट, सफारी का सफारी होता है, ठीक है, फायरफॉक्स का चक्रा होता है, एंड इस ब्राउजर का आई डोंट नो क्या होता है, बट आई विल फाइंड एंड लेट यू नो, ओके। तो ये कुछ इंजन होते हैं जो कि ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, एंड इनके बिहाफ पे हम जावास्क्रिप्ट को हमारे कंसोल के ऊपर ब्राउजर के रन कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में दिखाया था आपको कंसोल के बिहाफ पे रन करके, तो हम वेट इंजन या फिर जो भी जावास्क्रिप्ट का इंजन है, हम उसकी हेल्प से हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं कंसोल के ऊपर ब्राउजर पे, ओके। ये क्लियर है? देन हमारा कोड कैसे वर्क करता है? तो जावास्क्रिप्ट हम जैसे ही कोड लिखते हैं एंड वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। देन फर्स्ट होता है हमारा पार्सर, जो कि हमारे कोड को चेक करता है एंड रन करता है, ठीक है। तो यही पार्सर चेक करने के बाद अगर कोई एरर आता है, तो यहीं से हमें टर्मिनेट कर देता है हमारे पूरे कोड को, ठीक है। तो इसी के अंदर इंटरप्रेटर डिजाइन रहता है, ठीक है। देन हमारा कोड जाता है एएसटी के पास, तो एएसटी क्या होता है, ये ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये इस समझ लो पार्सर कि क्या ये होता है? हमारे पार्सर हमारा एक इंटरप्रेटर होता है जो हमारे कोड को रन करता है, ओके। देन हमारा कोड अगर राइट है विदाउट एनी एरर, तो ये हमारे कोड को किसके पास पास करता है, एएसटी के पास पास करता है। देन एएसटी क्या होता है, तो एएसटी हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ठीक है। तो हम जो भी कोड लिखेंगे उनको वो ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता है एंड देन रन करता है। जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, देन हमारा कोड किसके पास जाता है, कन्वर्शन टू मशीन कोड। देन हमारा कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, जैसे हमारा कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा कोड मशीन के ऊपर रन हो जाता है। जैसे इस तरीके से जावास्क्रिप्ट वर्क करती है आपके ब्राउजर के ऊपर। इसमें किसी को डाउट है कुछ? नो नो सर। सर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे? हाँ, आज हम पढ़ने वाले थे इवेंट। तो जो आपका सेकंड टास्क था वो आपको देखना था कि इवेंट्स क्या होते हैं, इन्हें कवर किया है वो? सर। ओके, सो ब्रीफ शॉर्ट में बताइए इवेंट्स क्या होता है। सर ओवरऑल देखा जाए तो इवेंट का मतलब ये है कि जैसे किसी भी चीज पे हम टच करें, जैसे जब हम कोई भी बटन बनाते हैं, जैसे क्लिक नाम से बनाए हैं, तो उस पे जब हम क्लिक करें तो एक प्रॉपर विंडो टाइप का खुलना चाहिए। मतलब अलग अलग इवेंट होते हैं, जैसे क्लिक किए तो कुछ खुल गया, ये क्लिक किए तो कुछ खुल गया, ये क्लिक किए तो कुछ खुल गया। मतलब देर आर मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट ऑफ इवेंट्स। ओके फाइन, और सर गुड। क्लिक के लिए ऑन क्लिक होता है जो फंक्शन को कॉल करवाया जाता है। ग्रेटफुल आल्सो सी यू वर्किंग हार्ड। ओके फाइन। सो बेसिकली इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स आर थिंग दैट हैपन इन द सिस्टम यू आर प्रोग्रामिंग विद द सिस्टम टेल यू अबाउट, सो योर कोड कैन रिएक्ट टू दैट। इवेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी भी एक्शन के ऊपर ट्रिगर हो जाए, ठीक है। अब एक्शन हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्शन अगर हम हमारा एक सिस्टम यूज करते हैं, तो मल्टीपल एक्शन हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एक्शन होता है कि जब हम माउस से किसी भी
पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर अगर हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो वो हमारा क्लिक एक्शन होता है, ठीक है। दूसरा, हम माउस से क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हम पेज स्क्रॉल करते हैं, तो ये भी यस एक सर, काइंड ऑफ एक्शन है, ठीक है। जब भी हम स्क्रॉल परफॉर्म करते हैं तो दूसरा एक्शन हमारा स्क्रॉल हो गया, ठीक है। अब हम सिस्टम के ऊपर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम हमारी कोई भी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो ये भी एक काइंड ऑफ एक्शन है। जब भी हम कोई की प्रेस करें तब भी हम पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली हमारे एक्शंस जो कि परफॉर्म होते हैं, एंड इस एक्शंस के रिगार्डिंग हम एक पर्टिकुलर कोड लिख सकते हैं कि जब भी हमारा माउस उस बटन पे क्लिक करे तो हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, या फिर माउस से हमारा स्क्रोलिंग हो तब हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, या फिर हमारा यूजर कोई की प्रेस करता है कीबोर्ड के अंदर तो तब हमारा क्या टास्क परफॉर्म हो, ठीक है। तो माउस से क्लिक पर तो आप सब जानते हैं कि एक ही क्लिक है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो सकता है, स्क्रॉल भी एक ही है आपके पास, तो स्क्रॉल अगर आप करोगे तो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। देन आप बात जब आती है हमारे कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड पे एन नंबर ऑफ कीज रहती है हमारे पास अवेलेबल, तो पर्टिकुलर की के ऊपर अगर हमें पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसकी है उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, उसके लिए हम हेल्प लेते हैं आस्की कोड की, ठीक है। तो आस्की कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ने एक कोड्स बना रखे हैं हर एक पर्टिकुलर की के लिए, ठीक है। तो हम उसकी यस हेल्प से ये कवर करेंगे, ठीक है। तो टास्क लिख लो, आस्की कोड पढ़ना है आपको। ASCII II। ठीक है, एंड इवेंट्स पढ़ना है आपको, जावास्क्रिप्ट के कितने होते हैं और क्या क्या उनका यूज होता है, ठीक है। तो ये आप नोट्स बनाओगे, इवेंट्स की लिस्ट बनाओगे, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और क्या क्या यूज होता है उनका, देन वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे हमारी क्लास के अंदर, उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देखेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास के अंदर पूछोगे, या फिर अगर आपको क्लास के बाहर कोई डाउट होता है तो ग्रुप पे मुझे टैग करके मेंशन करोगे, क्लियर है ये चीज़ें। ओके सर, ओके फाइन, तो लेट्स मूव। तो व्हाट इज एन इवेंट, इवेंट आर द थिंग्स दैट हैपन इन द सिस्टम यस यू आर प्रोग्रामिंग। The system produce or fires a signal of some kind when an event occurs and provide a mechanism by which an action can be automatically taken. That's it. Some code running when the event occurs, event are fired inside the browser windows and tend to be attached to a specific item that resides in it. This might be a single element, set of elements, and the HTML document itself. इस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, तो उसमें भी आपको यही बताया है कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स हमारे एक मैकेनिज्म होते हैं जो कि पर्टिकुलर एक्शन पे किसी भी कोड को रन करते हैं, ठीक है। और वो किसके ऊपर चलते हैं, ब्राउजर विंडो के ऊपर चलते हैं, या फिर आप कोई फाइल अटैच कर सकते हैं उसके बिहाफ पे भी चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे, द यूजर सेलेक्ट क्लिक और होवर द कर्सर ओवर सर्टेन एलिमेंट, ठीक है। तो क्लिक होता है, होवर होता है, ये कुछ एक्शन है जब हम क्लिक करते हैं। एंड होवर क्या होता है, जब भी हम हमारे माउस का कर्सर किसी भी पर्टिकुलर बटन, टेक्स्ट या किसी के ऊपर भी ले जाते हैं, तब अगर आपको उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या फिर उस टेक्स्ट के ऊपर एक पॉपअप शो करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा फॉर्म सबमिशन एक्शन, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तब वीडियो के लिए एक्शन होता है प्ले पॉज एंड, जब भी आप कोई वीडियो ब्राउजर पे प्ले पॉज एंड करते हैं तब भी आपके एक्शन ट्रिगर होते हैं, ठीक है, जिनको हम हैंडल करते हैं फंक्शंस की हेल्प से। तो फंक्शंस पढ़े हैं आपने अभी तक, ओके। सो किस किस ने नहीं पढ़े हैं अभी तक फंक्शंस, चैट पे रेस करो सो आई कैन फाइंड। सर इसको रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने और प्रांशु और रागनी ने सर फंक्शन नहीं पढ़े। ओके फाइन, ठीक है। तो ठीक है, तो आपके लिए फिर से पढ़ा दूंगा मैं फंक्शन, ठीक है। तो हम फंक्शन भी देख लेंगे कल एंड इवेंट्स भी देख लेंगे।
तो अभी बेसिक का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सो देन यू कैन फाइंड। तो यहाँ पे आपने देखा है कलर बॉक्स डायरेक्ट ओपन हो गया है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया है, हमारे सिंगल एचटीएमएल पेज के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया है, एंड स्क्रिप्ट टैग किसको बाइंड करता है, हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को, ठीक है। जब भी हमें अगर एचटीएमएल पेज के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी तो हम किसका यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, एंड जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है इनसाइड द स्क्रिप्ट ब्लॉक हम यूज करेंगे। ये सभी को पता है, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट चलती है। यस ओके सर, सर। ओके सो ये हमारा एक क्लिक मी का बटन है जो कि हमारे पेज पे शो होगा, ये रहा क्लिक मी, ठीक है। यस ये हमारा स्क्रिप्ट टैग है। सो अभी मैंने आपको क्या बताया था, इवेंट्स के रिगार्डिंग, इवेंट्स कब वर्क करते हैं, जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन क्लिक का, ठीक है। जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके तो हेलो, हाँ यस हाँ ओके ओके सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक के इवेंट को लगाएंगे, ऑन क्लिक, ठीक है।
और ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर एक फंक्शन का नेम लिखेंगे, ठीक है, चेंज कलर। याद रखना जावास्क्रिप्ट हमेशा स्नेक केस यूज करता है, तो जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल रहेगा, देन उसके बाद अगर हम कोई भी अदर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर फंक्शन या फिर जो भी हम वेरिएबल यूज करें, तो उसका जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। चेंज कलर एक फंक्शन है, ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है, जब हमने कॉल किया है तो हमें क्या करना होगा, फंक्शन बनाना भी होगा, तो ये एक फंक्शन है चेंज कलर नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी डॉट स्टाइल, डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बॉडी इज नॉट डिफाइंड। व्हाई बॉडी इज नॉट डिफाइंड, तो जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कलर चेंज हो गया पेज का, ठीक यस है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक बटन के ऊपर एक एक्शन कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे हमने एक पर्टिकुलर कोड लिख रखा है, और वो कोड कब ट्रिगर होता है, पर्टिकुलर जब हम वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोड लेवल पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या है, ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करें, नो मैटर आप माउस पैड से क्लिक करते हैं, या फिर आप माउस से क्लिक करते हैं, या फिर आप अपनी फोन के ऊपर जो स्क्रीन रहती है उस पर आप टैप करते हैं, ठीक है, तो सारी चीजें एक ऑन क्लिक एक्शन के अंदर बाइंड रहती है, ठीक है। अब जो हमारे पास एरर आई थी कि बॉडी इज नॉट डिफाइंड, तो बॉडी क्यों डिफाइन नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको जो प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट हमें यूज करना है हमारा एचटीएमएल का, तो हम किसके बिहाफ पे यूज कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बिहाफ से। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें पूरा एचटीएमएल रिटर्न करता है, जिसके रिगार्डिंग हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे बॉडी भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हमें बॉडी का यूज करना है, तो हमें उसके आगे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, अगर हमें सीएसएस चेंज करनी है तो सो डॉट स्टाइल, देन क्या सीएसएस में हमें चेंज करना है, कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, एंड सो ऑन, ठीक है।